हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हो गया 4 अक्टूबर और आज हम करने वाले हैं करेंट अफेयर में 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के क्वेश्चंस। जैसा कि आप हमारे सीरीज में देख रहे हैं, बिहार एसटीटी के लिए स्पेशल वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, तो इसके आपको सारे वीडियो को रेगुलरली देखना है। और इससे पहले जितने भी वीडियो है सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए भी टॉपिक वाइज वीडियो डाली जा रही है, तो उसे आपको देखना है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 10 वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद 3 अक्टूबर से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो हम लोग करेंगे। आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर कमेंट करके बताना है। सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं, जिसे भारत की ओर से आईएमएफ में कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है सुरजीत भल्ला। जी हाँ, सुरजीत भल्ला को आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों के जितने मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो कितने मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है माननीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा? तो ये हमारा है 100 मीटर की रेंज में। जी हाँ दोस्तों, 100 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्र सरकार ने एसएस मल्लिकार्जुन राव को जिस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है वह बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। रिपोर्टर के मुताबिक जिस राज्य के पुरातत्व विभाग को शिवगंगा जिले में जारी खुदाई में संगम काल की 2600 साल पुरानी दीवारें मिली है, उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये मिला हुआ है 2600 साल पुरानी दीवारें। नेक्स्ट, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से जिस धार्मिक स्थान तक जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ की है वह धार्मिक स्थान है वैष्णो देवी, जो जम्मू कश्मीर के कटरा के पास स्थित है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की जयंती पर जिस देश की डाक टिकट आरंभ की गई, तो ये देश है आपका फ्रांस। फ्रांस में ये जारी किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जिस स्थान पर शोधकर्ताओं ने एक विलुप्त पुरातन नदी की खोज की है यह स्थान है प्रयागराज, जिसे पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। नेक्स्ट, गांधी जयंती के अवसर पर जिस राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है उस राज्य का नाम है राजस्थान, इसकी राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट, हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार जिस रेलवे स्टेशन को देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया उस रेलवे स्टेशन का नाम है जयपुर रेलवे स्टेशन। अब आइए हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं जो कि ये 3 अक्टूबर के लिए गए हैं। 3 अक्टूबर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री बैडमिंटन प्लेयर ही बिंजिंग जाओ ऑन वीमेंस सिंगल टाइटल इन कोरियन ओपन 2019। तो आपको बताना है कि किस देश के खिलाड़ी ही बिंजी जाओ ने वीमेंस सिंगल टाइटल कोरियन ओपन जीता है 2019 का? तो ये देश है आपका चाइना। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन सी चाइना। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मैनी कंट्रीज फ्रेंच इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो कितने देशों के लिए फ्रेंच एक ऑफिशियल लैंग्वेज है आपको बताना है कमेंट करके। तो इसका करेक्ट आंसर है 29, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 64th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, कौन सा देश 64वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो ऐसा करने वाला देश है युगांडा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड 7th वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम WHEF 2019, तो कौन सा सिटी होस्ट कर रहा है 7वां वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम को, और ये होस्ट हो रहा है मुंबई के द्वारा दिल्ली में ही, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सेलिब्रेटेड द ग्रेटेस्ट एंड लॉन्गेस्ट हिंदू फेस्टिवल बड़ा दासियान, तो बड़ा दासियान कौन सा कंट्री सेलिब्रेट कर रहा है, उस कंट्री का नाम आपको बताना है। तो उस कंट्री का नाम है नेपाल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और आपको कमेंट करके बताना है कि नेपाल के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हार्ट डे इज ऑब्जर्व ऑन डैश बाई वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, तो विश्व हार्ट दिवस कब मनाया जाता है, जो कि वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाया है। तो ये मनाया जाता है 29 सितंबर। जी हाँ, 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली अरब कंट्री फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ G20 इकोनॉमिक्स, तो कौन सा देश अरब कंट्री है जो कि G20 इकोनॉमिक्स को पार्ट है, तो उस कंट्री का नाम है सऊदी अरबिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गवर्नमेंट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रीट वेंडर एक्ट, तो कौन सा सरकार है जो कि पहली है देश में स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लागू करने के लिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर इन्वेस्टर फॉर ए प्राइवेट प्लेसमेंट टू अलाइन विथ रेगुलेशन फॉर कॉरपोरेट बॉन्ड्स, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने अमाउंट का है ये आपको बताना है, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है 10 लाख, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाथुकामा इज द फेस्टिवल ऑफ, तो बाथुकामा किसका फेस्टिवल है, फूड का, फ्लावर्स का, बोट रेस या डांस, तो बाथुकामा इज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 अक्टूबर का लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, बिहू इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, तो बिहू किस राज्य की फोक डांस है आपको कमेंट करके बताना है। बिहू असम की फोक डांस है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी प्लान टू रेज वाया बॉन्ड इशू, तो कौन सा कंपनी एक बॉन्ड इशू जारी करने वाला है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एयरटेल। अब हम देखने वाले हैं 4 अक्टूबर के कुछ क्वेश्चन, और इसका सारा आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक बहुत कम करते हैं। हमारे करंट अफेयर के वीडियो बहुत एक्सपेक्टेड है और ये आने वाले लगभग सारे एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर को आपको पूरा देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम हर एग्ज़ाम के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में ग्राम सचिवालय प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में बताना है कि ग्राम सचिवालय प्रणाली आरंभ किया गया है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में दिया गया आइंस्टाइन चैलेंज क्या है? आइंस्टाइन चैलेंज आपको बताना है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया है हाल ही में। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनोवेशन के जरिए महात्मा गांधी के विचारों को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 3 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली और काटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो बताना है कि 3 अक्टूबर को किसने दिल्ली काटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका करेक्ट आंसर है गृह मंत्री अमित शाह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सहायता से किस देश में ENT अस्पताल का निर्माण हुआ है जिसका हाल में उद्घाटन किया गया? तो किस देश में निर्माण हुआ है यह अस्पताल, आपको कमेंट करके बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा मॉरिशस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के ग्रामोदय परिसर का नाम बदलकर महात्मा गांधी ग्रामोदय परिसर कर दिया गया? किस स्थान का नाम बदलकर ग्रामोदय परिसर के नाम पर महात्मा गांधी ग्रामोदय परिसर कर दिया गया, कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर है IIT नई दिल्ली। जी हाँ, IIT नई दिल्ली, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मो सरकार कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिया गया है और ये तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है मो सरकार के रेस्पेक्ट में। आपको पढ़ना है पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो दूसरा कथन है, यह कार्यक्रम लोगों की फीडबैक जानने के लिए आरंभ किया गया, यह बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन ये भी सही है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2 on 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ स्थापित करने तथा सभी कॉलेजों में गांधी स्तंभ निर्माण करने की घोषणा की है? चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो वह राज्य है आपका मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इस स्टेटमेंट को आपको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओनली 2, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ओनली 2।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के पुरुष एकल का विजेता कौन है? चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रोजर फेडरर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रोजर फेडरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने हरी झंडी दिखाकर फिट इंडिया प्लान रन की शुरुआत की है? तो कौन से व्यक्ति ने हरी झंडी दिखाकर फिट इंडिया प्लान रन की शुरुआत की है? कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है खेल मंत्री किरेन रिजिजू। जी हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, खेल मंत्री किरेन रिजिजू जो कि हमारे खेल मंत्री है। और इनको आपको कमेंट में बताना है कि इनका प्रेजेंट में अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा डिजिटल चरखा का अनावरण किया गया है? तो किस मिनिस्ट्री द्वारा डिजिटल चरखा का अनावरण किया गया है बताइए। तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ये डिजिटल चरखा का अनावरण किया गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा आज का हमारा 3rd और 4th अक्टूबर का करेंट अफेयर, और इसमें बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। और आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखना है एग्ज़ाम से पहले। और अगर आप डेली हमारे करेंट अफेयर वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपका 80 से 90% क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, आपके क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड शेयर करना नहीं भूलिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।